भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जा रहा सिडनी टेस्ट मैच अब एक बार फिर एक नया मोड़ लेता दिखाई दे रहा है। ऑस्ट्रेलिया के 338 रनों के जवाब में भारतीय टीम धीरे धीरे 200 के आसपास पहुंच रही थी, लेकिन एक बार फिर पहले सेशन के बाद दूसरे सेशन में भारत को दो बड़े झटके लग गए हैं। जी हाँ, ऋषभ पंत और चेतेश्वर पुजारा के रूप में भारतीय टीम को दो बड़े झटके लगे। हालांकि पुजारा के बारे में हम अपनी अगली रिपोर्ट में बात करेंगे। ऋषभ पंत जो कि अच्छी टाइमिंग के साथ खेल रहे थे, 67 गेंदों में 36 रन बनाकर खेल रहे थे, लेकिन जॉश हेजलवुड के 88वें ओवर में बाहर जाती हुई गेंद को वो कवर ड्राइव पर खेलना चाह रहे थे और स्लिप्स में यहाँ पर डेविड वार्नर को कैच गवा बैठे, जिसकी वजह से भारत को पांचवा झटका लगा। एक बार फिर ऋषभ पंत ने अपनी मैच्योरिटी जो है वो नहीं दिखाई, इमैच्योर लगे। 36 रन उन्होंने जरूर बनाए, अच्छी पारी खेल रहे थे, 4 चौके उन्होंने जड़ दिए थे, भारत को वो मोमेंटम प्रदान कर दिया था, वो मोमेंटम दिला दिया था टीम इंडिया को, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर भारत को एक बहुत बड़ा झटका यहाँ पर लग गया है। पांचवा विकेट टीम इंडिया का ऋषभ पंत के रूप में गिरा। इस बीच पुजारा के भी आउट होने की खबर आ रही है। बता दें आपको कि चेतेश्वर पुजारा ने भी इससे पहले अर्धशतक जड़ा, शानदार 176 गेंदों में 50 रन उन्होंने बनाए, लेकिन पैट कमिंस ने उनको आउट कर दिया। लेकिन ऋषभ पंत की विकेट बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ऋषभ पंत भारतीय टीम को मोमेंटम प्रदान कर सकते थे और वो मोमेंटम उन्होंने दे भी दिया था जब हनुमा विहारी आउट हुए थे, लेकिन आखिरकार ऐसा क्यों हुआ ये समझ में नहीं आया। ANP न्यूज रूम की रिपोर्ट।